परम आयुर्वेद आयोजित और पंचकर्म महर्षि वैद्यराज त्र्यम गोगटे पुरस्कार प्राप्त चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा के 260वें पुष्प में उपस्थित सभी मान्यवर वैद्यों का सहर्ष स्वागत। आज के पुष्प के प्रमुख वक्ता आदरणीय परम गुरुवरिया वैद्य लीना बावड़ेकर महोदया, आपको वैद्य महेश भुजबल और मैं वैद्य सारिका भुजबल सादर प्रणाम करते हैं और आपका विशेष स्वागत करते हैं। आज के पुष्प का आरंभ हम धन्वंतरी देवता को नमन करते हुए करेंगे। प्रीति, इस लेशोक्त विषय पर ज्ञानी वैद्या लीना बावड़ेकर महोदया इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने हेतु सभी वैद्यगण उत्सुक हैं। मैं वैद्य जीवन आटोड़े जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप महोदया जी का परिचय करें। मैं वैद्य जीवन आटोड़े सिंहगढ़ से हूँ। आज के हमारे जो वक्ता है लीना श्री प्रसाद बावड़ेकर मैम, ये आयुर्वेद में पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रही है। नारायणपेट में पुणे में इनका क्लिनिक है। बीएमएस इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। एमफिल तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से कंप्लीट किया है। इन्होंने एमए संस्कृत तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ से किया है। पीएचडी स्कॉलर डेक्कन कॉलेज पुणे से किया है। काफी जगह पे मैडम के अलग अलग इंस्टीट्यूट में और कॉलेज में लेक्चर्स होते आए हैं। इनके जो पब्लिकेशंस है हिंदी मराठी जर्नल्स में 50 से भी ज्यादा पब्लिकेशंस आयुर्वेद के ऊपर आए हैं। मैडम रिसर्च में भी खूब अच्छी तरह से उनका रिसर्च में काम चालू है। जो उनके जो बुक्स है आयुर्वेदिया पाना के एंड डिकोडिंग लेशोक्त फ्रॉम आयुर्वेदा संहिता लेशोक्त विस्तार, उसपे उनका अच्छा अभ्यास है। सोशल एक्टिविटीज में भी मैडम जो है उनका काफी उनका काम चालू है। मैडम्स के जो शक्ति करके जो एक मैगजीन है उनका, उन्होंने नेशनल सेक्रेटरी करके उन्होंने काम किया है अभी। उसके अलावा युवा शक्ति अभियान और अलग अलग प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट्स में उनका, जैसे मतलब ग्रामीण जो भाग है या अर्बन एरियाज है उनमें उनका काम चालू है। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम भी उन्होंने अलग अलग जगह पे और अभी भी उनका उसके ऊपर काम चालू। मैडम को हिंदी मराठी इंग्लिश और संस्कृत ये सभी भाषा अवगत है। धन्यवाद। वैद्य सारिका मैम। धन्यवाद वैद्य जीवन जी। मैं वैद्य लीना महोदया इनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज आप हमें प्रीति इस लेशोक्त विषय पर अधिक विस्तार तथा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार। परम आयुर्वेद के आयोजकों को, सारिका जी और महेश जी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँ आज अच्छे से आपके सामने विषय प्रस्तुत करूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैद्य महोदय को मेरा सादर प्रणाम। एक थोड़ा अलग सा विषय है ये, बहुत ज्यादा परिचय इस विषय का नहीं है, तो शुरू से ही मैं विषय एकदम बेसिक लेवल से ही इस विषय की मैं शुरुआत करती हूँ। आयुर्वेद में जो अनुक्त है तथा लेशोक्त, ये दो विषय महत्वपूर्ण है। उनको समझना, इन विषयों को आकलन करना, उनका अध्ययन करना तथा इन विषयों को व्यवहार में लाना, ये बातें व्यवहार में उसका उपयोग करना, ये आज की आयुर्वेद की अत्यंत आवश्यकता है। आज के दिन में आयुर्वेद क्षेत्र की ये अत्यंत आवश्यकता है। कई साल पहले 2005 में अनुक्त द्रव्य चीज का अध्ययन वैद्य श्री प्रसाद बावड़ेकर जी ने अपने पीएचडी के विषय में किया था, पीएचडी के लिए किया था। तब से अनुक्त विषय पर उनका चिंतन निरंतर चालू है। उसके बाद
और कुछ दिन पहले ही सर ने अनुक्त आहार अध्ययन ये पुस्तक लिखी है, प्रकाशित भी हुई है। वो इस तरह का सर का अनुक्त विषय पर चिंतन चल रहा था, मनन चल रहा था, उसी से प्रेरित होकर मैंने लेशोक्त इस विषय पर अपना अध्ययन करना शुरू किया। और संहिता अध्ययन में तथा आयुर्वेद के व्यवहार में अनुक्त विषय ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण विषय ये लेशोक्त विषय आयुर्वेद प्रेमियों के सामने लाने का मेरा अविरत प्रयत्न चालू है। और इसी को यही बात ध्यान में रखकर फिर मैंने मेरा एमफिल का काम शुरू किया गुरुवर्य वैद्यराज रमेश जी नानल सर के मार्गदर्शन में, स्टडी ऑफ लेशोक्त सूत्र विस्तार विद स्पेशल रेफरेंस टू चरक संहिता। इस विषय पर मैंने एमफिल किया और इसी मेरे एमफिल के अध्ययन को मैंने डिकोडिंग लेशोक्त इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। जो पुस्तक उपलब्ध है वो मनकर्णिका पुस्तकालय पुणे में उपलब्ध है और मेरे क्लिनिक में भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में विस्तार से इस अध्ययन की पूरी प्रक्रिया मैंने लिखी है। अभी आज के विषय के संदर्भ में लेशोक्त विस्तार विषय का अभी सर ने दिखाया है, ये मेरा डिकोडिंग लेशोक्त पुस्तक है, ये मेरी ये उपलब्ध है, आपको मिल सकती है। ये जो लेशोक्त विषय का विस्तार ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन अभी इसका मैं संक्षेप में परिचय आज के वक्तव्य में दे रही हूँ। तो देखते हैं संक्षेप में ये क्या है लेशोक्त। छोटी सी बात है कि सबसे पहले एक जो शब्द हमारे सामने आता है वो शब्द है लेशोक्त। ये कैसे बना हुआ है, लेश तथा उक्त, इन दोनों लेश का मतलब है अल्प संक्षेप में और उक्त का भी मतलब है कहना, संक्षेप में कहना, टोल्ड इन ब्रीफ, संक्षेप में कहा हुआ, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में जो कहा हुआ है उसे हम लेशोक्त कहते हैं। तो आयुर्वेद के संदर्भ में ये लेशोक्त क्या है, आयुर्वेद में क्यों संक्षेप में कहा गया है, ये स्वाभाविक प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है। ये आयुर्वेद हम सबको पता है, हमारी जो संहिता है, हमारे जो ग्रंथ है, आयुर्वेद की जो ग्रंथ है, ये किसी ने कहा है और किसी ने सुना है, मतलब आचार्य ने कहा है और शिष्यों ने सुना है, इस माध्यम में आयुर्वेद की शुरुआत हुई और उसके बाद में उसका ग्रंथों में वो आ गए। जितना कुछ कहा है वो सभी का सभी बातें ग्रंथों में लाना शक्य नहीं था, तो इसलिए वो संक्षेप में आ गए, सूत्र रूप में आ गए। सूत्र की व्याख्या भी सब लोगों को पता है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, इस तरह सूत्र भी अल्प शब्दों में कहा जाते हैं। तो सूत्र और संहिता ये आयुर्वेद रचना का महत्वपूर्ण विशेषता है, इसी कारण आयुर्वेद ग्रंथों में लेशोक्त दिखाई देते हैं, कई सूत्र ये लेशोक्त दिखाई देते हैं। आप कहेंगे ये इतना कह रहे हो आप, तो ये कैसे ढूंढे लेशोक्त, कहाँ से ढूंढेंगे। तो हमें आते जाते व्यवहार में भी लेशोक्त दिखाई देता है, तो वो कैसे दिखाई देता है वो भी थोड़ा सा हम देखते हैं, कैसे हम अनुभव करते हैं लेशोक्त, वो अनुभव की बात है। एक बार विशेष सामने समाज एक शब्द एक समझ में आ जाता है तो हम उसके पीछे जाते हैं और उसको ढूंढते हैं। जैसे कि हमारे घर के पास ही एक बुजुर्ग डॉक्टर रहते हैं, तो एक दिन उनका फोन आया, उन्होंने कहा कल संकष्टी है, चतुर्थी है। मैंने कहा ठीक, एक पार्सल बताइए आप, इसमें आपको क्या क्या समझ में आता है। कुछ नहीं ना समझ में आया, अब मैं बताती हूँ। ये क्या हुआ, सिर्फ शब्द कहा है, पूरा वाक्य नहीं कहा, उसके अंतर्गत छिपा हुआ इसका सारांश भी हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे पता चला क्योंकि उनका कहने का मतलब क्या है ये बातें मुझे पता है। हमें कल सुबह खिचड़ी खाने उनके घर जाना है, ये उसका अर्थ हो गया। कल संकष्टी है, कल चतुर्थी है, इसका मतलब कल सुबह खिचड़ी खाने जाना है, ये तो हमारी परंपरा है।
हम आयुर्वेद वाले खाते नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य कोई बुलाता है तो खिचड़ी तो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम जाते हैं खिचड़ी खाने। कुछ सालों से हम उनके घर खिचड़ी खाने चतुर्थी को जाते हैं, ये हमारा ये हमारी एक आदत हो गई है। तो कल हमें सुबह बाकी सब काम निपटाकर ठीक 8:30 बजे उनके घर पहुंचना है। अब उनके घर खिचड़ी खानी है तो दोपहर खाना घर में खाना बहुत कम बनाना है, हर रोज अगर 5 चपाती बनती है तो कल सिर्फ 3 ही चपाती बनेगी, ये भी बात उसमें आ गई। और दूसरी बात है, सुबह मुझे घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है और खाना भी कम बनाना है, ये तो गृहित पक्ष हो गया। अब आगे की बात है, एक पार्सल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर को खिचड़ी बहुत पसंद आती है, एक साथ एक समय पर ब्रेकफास्ट के समय वो इतना खिचड़ी नहीं खा सकते, फिर पार्सल लेके जाएंगे, एक 2 घंटे के बाद फिर क्लिनिक में भूख लगेगी तो फिर खिचड़ी खाएंगे, और इतनी खिचड़ी खाएंगे कि दोपहर का खाना वो खाएंगे ही नहीं, नहीं तो कम खाएंगे। ये सब उसका हो गया विस्तार। इतनी आसान बात है लेशोक्त का विस्तार, ये है व्यवहार। अब देखते हैं कि यहाँ ये दो वाक्य सिर्फ, कल चतुर्थी है और एक पार्सल, इन दोनों दो वाक्यों का ये हो गया विस्तार। थोड़ा ध्यान से आजू बाजू देखते हैं हम लोग तो हम व्यवहार में इन लेशोक्तों का अनुभव हर दिन करते हैं, हमारे क्लिनिक में भी करते हैं। हमेशा पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो लेशोक्त ही बताते हैं, पेट दुख रहा है, फिर हमें पूछना पड़ता है कब से दुख रहा है, कैसे दुख रहा है, कहाँ दुख रहा है, कल क्या खाया था, ये सब हो गया उसका विस्तार। लेकिन पेशेंट आता है तो सिर्फ इतना ही बोलता है। तब अभी आप लोग कल से अपने अपने क्लिनिक जाकर अपने क्लिनिक में अपने आजू बाजू ये लेशोक्त ढूंढना शुरू कर लीजिए, तभी आपको ये विषय एकदम आसान लग जाएगा, आसान हो जाएगा सबके लिए। अभी इसी प्रकार आयुर्वेद संहिता में भी लेशोक्त है, तो आयुर्वेद संहिता में अभी देखा हमने लेशोक्त क्यों है, क्योंकि तो सूत्र और संहिता रूप में आयुर्वेद संहिता ये ग्रंथ का पूरा परिचय, पूरा साहित्य जो उपलब्ध है वो सूत्र और संहिता रूप में है। लेशोक्त का मूल स्रोत संहिता में लेशोक्त है, ऐसी बातें संहिताकारों ने ही कही है, वो मूल स्रोत कहाँ है ग्रंथों में, ये सब बातें मेरे पुस्तक में लिखी है। ग्रंथों से लेशोक्त कैसे ढूंढना है, जैसे ये व्यवहार में लेशोक्त ढूंढना थोड़ा आसान है, ग्रंथों में लेशोक्त ढूंढना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। उसकी सब किस तरह ढूंढना है ये भी बातें आपको पुस्तक में दिखाई मिलेगी, तो इसका विस्तार मैं यहाँ ज्यादा नहीं करूंगी। यहाँ हम डायरेक्टली विषय को शुरुआत करेंगे, जैसे कि हमारा विषय जो है प्रीति लेशोक्त विस्तार, इसमें हम पहले देखेंगे। उसके पहले सिर्फ एक ही बात मैं यहाँ विस्तार से, थोड़ा विस्तार ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा परिचय करने के लिए कि लेशोक्त के भी प्रकार होते हैं। तो प्रकार जो होते हैं वो मैंने खुद वो ढूंढकर निकाले कि इस प्रकार के लेशोक्त के प्रकार करेंगे तो वो समझने में, विषय समझने में आसानी हो जाएंगे। आपको पता है भेदताहीन भेद्यम अन्यथा भिन्नति, जिस तरह से, जिस न्याय से लेशोक्त के भेद, इस न्याय से लेशोक्त के कई भेद किए जा सकते हैं, जैसे कि शास्त्र लेशोक्त है, व्यवहार लेशोक्त है, ऐसा एक भेद कर सकते हैं। फिर से बताती हूँ, शास्त्र लेशोक्त, व्यवहार लेशोक्त, ये एक भेद हो सकता है। द्रव्य लेशोक्त, गुण लेशोक्त, कर्म लेशोक्त, ये द्रव्य गुण के आधार पर ये एक भेद हो सकता है। व्याकरण की दृष्टि से कर सकते हैं, कर्ता कहीं लेशोक्त हो सकता है, कर्म लेशोक्त हो सकता है, करण लेशोक्त हो सकता है, ये भी एक लेशोक्त की चर्चा, इस तरह भी लेशोक्त की चर्चा हम कर सकते हैं। हेतुलिंग औषधीय स्त्री स्कंध आपको पता है, इस परिप्रेक्ष्य में भी लेशोक्त की चर्चा हो सकती है। अब इस प्रकार के जो भेद है ये हर एक भेद पर एक एक घंटा बात हो सकती है। अब देखते हैं आसान तरीका, इसमें से थोड़ा सा आसान करती हूँ मैं, कि इसमें से कुछ लोग कुछ लेशोक्त से हम चर्चा करते हैं, कि जैसे कुछ सूत्र मैं बताती हूँ और उसका लेशोक्त बताती हूँ, तो आपको, हम लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको लेशोक्त समझने में। जैसे आपके परिचित सूत्र ही मैंने लिए है, वातघ्नान्यन्न पानानि श्लेष्म मेदो हराणि च रुक्षोष्णा वस्तय तीक्ष्णा
वृक्षाणि उद्वर्तनानि च। आप सूत्र का संदर्भ लिख लीजिए, बाद में आराम से देख सकते हैं। चरक सूत्र स्थान 21:21 ये हो गया द्रव्य लेशोक्त का उदाहरण। यहाँ सिर्फ उन्होंने वातघ्नानि अन्नपानानि इतना दिया है, द्रव्य दिए है क्या? नहीं है। क्यों? ये द्रव्य लेशोक्त है, इसका विवेचन बुद्धिमान वैद्य को ही करना है। अब आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। विनाम आक्षेपक संकोचाः सुक्तिः कंप प्रवेपनम झृंभाया निग्रहात् तत्र सर्वं वातघ्नम औषधम। क्या बताया है? झृंभायाः निग्रह, झृंभा का निग्रह करने से क्या क्या दिखाई देता है और इस पर चिकित्सा, इसकी चिकित्सा क्या है? सर्वं वातघ्नम औषधम, ये हो गया चिकित्सा ले सकते। सिर्फ वातघ्न औषध बताया है, चिकित्सा तो बताया ही नहीं है। आगे चल के देखते हैं, और एक उदाहरण देखते हैं, और एक दृष्टांत देखते हैं। अपाने नावृते सर्वम दीपनम ग्राही भेषजम। इसका संदर्भ है चरक चिकित्सा स्थान 28/243। इसमें है व्यवहार बताया नहीं है और इसमें शास्त्र भी लेशोक्त, शास्त्र भी इसमें लेशोक्त है। अब देखते हैं और एक देखते हैं। गर्भिण्याः श्लेष्मला अभ्यासात् छर्दि निश्वास निग्रहात् वायु क्रुद्ध कफम योनिम उपनीय प्रदूषये। चरक चिकित्सा स्थान 30:21 यह है तो लेशोक्त। अभी इसकी विस्तृत चर्चा पूरे दिन की कार्यशाला हो सकती है, एक एक सूत्र का विस्तार भेदता ही वैद्यम न्याय से भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम यही पर हम रुकते हैं। यहाँ तक हमने देखा लेशोक्त क्यों है, लेशोक्त क्या है, लेशोक्त के प्रकार कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक लेशोक्त विषय की प्राथमिक चर्चा जानकारी लेने के बाद अब देखते हैं लेशोक्त सूत्र का विस्तार, यह है हमारा प्रमुख विषय। अब फिर यहाँ भी मैं लेशोक्त सूत्र का विस्तार नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मेरे पुस्तक में डिकोडिंग लेशोक्त में आए है, तो इसकी चर्चा हम यहाँ अभी पर्याप्त नहीं है। हम जाते हैं संज्ञा विस्तार पर। आज तक तो मैंने सूत्र विस्तार तक की बातें की है, आज मैं बात करूंगी संज्ञा विस्तार। आज का विषय है प्रीति। इतना सादा ऐसा शब्द है प्रीति, इसके ऊपर विस्तार हो सकता है या नहीं, यही मन में आशंका आ सकती है। ये तो पूरा वाक्य है नहीं, यह है संज्ञा, सिर्फ प्रीति संज्ञा। तो ये संज्ञा में जो लेशोक्त है उसका विस्तार आज हम यहाँ करेंगे। अब इसके लिए पहले हम विस्तार की सामान्य पद्धति देखेंगे। अब देखिए लेशोक्त संज्ञा का विस्तार और लेशोक्त वो लेशोक्त सूत्र विस्तार की पद्धति से नहीं हो सकता, ये तो स्वाभाविक है। सूत्र विस्तार की पद्धति अलग है, संज्ञा विस्तार की पद्धति अलग निर्माण करनी पड़ी है, तो ये अलग से हम देखेंगे। यहाँ अगर किसी संज्ञा, ये प्रीति संज्ञा है, विषाद संज्ञा है, हर्ष संज्ञा है, ऐसी कई संज्ञाएं आयुर्वेद में आई है, मैंने एक ही संज्ञा यहाँ ली है, अन्य संज्ञा ढूंढना ये भी एक काम है। तो अब इसका, इस संज्ञा का परिचय हमें हो जाए तो इसका अध्ययन करना है। तो प्रथम क्या करना है, तो उसका वाचार्थ समझना है। इसके लिए वाचार्थ समझने के लिए कौन से साधन उपलब्ध है? वाचस्पत्य है, गिर्वाण लघुकोश है, मोनियर विलियम्स है, अप्टे कोश है, अमर कोश है, यहां से हमें वाचार्थ मिल जाता है। इन कोशों की मदद ली जा सकती है। इन शब्द कोशों में उस शब्द के उपयोजन के बारे में भी पता चलता है। यह ये शब्द कई जगह किस तरह से उपयोग इस शब्द का कर सकते हैं। वाचार्थ से बढ़कर भी उसमें और भी स्पष्टीकरण कोश में मिलता है। इसलिए कोशों का अध्ययन या आयुर्वेद प्रेमियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आयुर्वेद ग्रंथ तथा आयुर्वेद छोड़कर अन्य ग्रंथों में भी इस संज्ञा का उपयोजन किस प्रकार किया जाए, ये भी हमें विदित हो जाए। तो ये पहला हो गया कि वाचार्थ समझ लेना। उसके बाद समझ लेना है कि टीकाकरों ने इस संज्ञा के संदर्भ में कुछ विवेचन किया है क्या, मार्गदर्शन किया है क्या। इस संज्ञा का अध्ययन करने, जिस संज्ञा का अध्ययन करना हमने निश्चित किया है, उस संज्ञा के विषय में टीकाकारों ने अगर कुछ मार्गदर्शन किया है तो उसे देखना, ये भी हमारा काम है। इससे हमारे अध्ययन में अध्ययन की व्यापकता बढ़ जाती है, व्यापकता अधिक आ जाती है। अब दूसरे स्तर के बाद का स्तर है वृद्ध वैद्यों का विचारों का अध्ययन। इससे
अध्ययन में और भी थोड़ी व्यापकता आ जाती है, अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन करना है तो आगे का स्तर है उस संज्ञा के समानार्थक शब्द तथा विरुद्धार्थक शब्दों का भी अध्ययन जरूरी है। जब विषय के गुण हम देखते हैं तब ऐसे समझ में आता है कि ओज के विरोधी गुण है विषय के, तो ओजो विपरीत गुण ये भूमिका सॉरी हमारे मन में निश्चित हो जाती है। जैसे कि ओज के विरोधी गुण होते हैं विषय के गुण, कैसे समझ में आता है कि वो ओज के विरोधी है, तो उसमें हमारे मन में और एक संकल्पना निश्चित हो जाती है कि ओज के विपरीत गुण ऐसी ऐसी भी एक भूमिका हमारे मन में निश्चित हो जाती है। इसलिए विरोधी अर्थ का अर्थ को जानना भी आवश्यक है। इसके लिए एक व्यावहारिक दृष्टांत भी देखते हैं। जैसे कि एक लेखक ने औरंगजेब पर प्रतिदिन एक अध्ययन करके एक पुस्तक लिखी और उन्होंने कहा कि अगर आप औरंगजेब का अध्ययन करेंगे तो आपको शिवाजी महाराज की महानता अपने आप समझ में आ जाएगी। ये बात भी एक विरुद्ध विपर्यय इसके बारे में समझने की बात है ये। हाँ, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं अध्ययन के बारे में ही एडिशनल बात बताती हूँ। जैसे एक स्मृति के एक अष्ट साधन बताए गए हैं, जैसे उसमें विपर्यय नाम का एक साधन कहा गया है, तो ये विपर्यय उस साधन की मदद से हम जान सकते हैं। स्मृति के अष्ट साधन क्या है? निमित्त रूप ग्रहणात्, सदृशात, सविपर्ययात, सत्वानुबंधात, अभ्यासात, ज्ञान योगात, पुनश्रुता। चरकशारी स्थान अध्याय एक में 148-149 श्लोक में ये बताया गया है। तो इसी तरह विपर्यय का अनुभव हम लेते हैं, व्यवहार में भी उसका अनुभव लेते हैं। इतने सालों के बाद भी अगर हम जब शोले चित्रपट देखते हैं तो क्या याद आता है? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये तो गाना आता ही है यार। अब इसके साथ दूसरी बात कौन सी याद आती है? सबको पता है, अगर मैंने आपको कहा तो सब लोग बता देंगे कितने आदमी थे, ये बोलने वाला गब्बर भी याद आता है। तो ये इस प्रकार से एक बात जानकर उसी विषय को अच्छे से जानकर उस विषय के संदर्भ में अन्य बात जान लेना, इस प्रकार स्मृति के जो अष्ट साधन है वो हम अलग अलग अध्ययन में प्रयुक्त कर सकते हैं, ये बताने का मेरा ये उद्देश्य था। चलिए अब चलते हैं हमारे मूल विषय पर। तो हमारा मूल विषय है प्रीति संज्ञा का अध्ययन। तो उसका वाचार्थ कैसे ढूंढना है और कहां से ढूंढना है, यहां तक हम आए थे। अब देखिए, प्रत्यक्ष वाचार्थ ढूंढना है तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है, वो भी हम देखते हैं। वो बात है प्रीति संज्ञा का स्वरूप लक्षण। ग्रंथों में प्रीति संज्ञा का स्वरूप लक्षण उपलब्ध नहीं है। अब आप पूछेंगे ये क्या है स्वरूप लक्षण, तो वो भी जान लेते हैं थोड़ा स्वरूप लक्षण, और उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लक्षण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण जो निर्दुष्ट लक्षण होता है, जो अन्य किसी को प्रभावित नहीं करता, देख लीजिए समझ लीजिए, आसान है समझने में। तटस्थ लक्षण यानी बाजू बाजू से जो लक्षण का किया हुआ वर्णन, वो होता है तटस्थ लक्षण। जैसे कि सासनादि मत्वम गोत्वम, गाय का लक्षण बताया गया है, उसको सासना होती है तो वो गाय होती है, ये हो गया स्वरूप लक्षण। हमारे रोज के व्यवहार में देखते हैं, जैसे कि हमारे घर का पता बताते हैं तो हम क्या बताते हैं? पहले सोसाइटी का नाम बताते हैं, फ्लैट का नंबर बताते हैं, जो हो गया स्वरूप लक्षण। लेकिन अगर घर अच्छे से ढूंढना है तो हम पता बताते समय आसपास के कोई विशेष सीमा चिन्ह बताते हैं, लैंडमार्क कहते हैं उनको, तो ये लैंडमार्क बताना ये हो गया तटस्थ लक्षण। कई बात समझ में? स्वरूप लक्षण मतलब साक्षात लक्षण, जो निर्दुष्ट लक्षण होता है, जो अन्य किसी को प्रभावित नहीं करता, स्वच्छ लक्षण जो बताते बताते एकदम सामने आ जाता है, वैसे प्रीति का स्वरूप लक्षण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमने ये बात स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये विषय इसमें विषय के संदर्भ में
यहाँ चर्चा उपस्थित की है मैंने, लेकिन ये चर्चा उपस्थित करनी अत्यंत जरूरी थी क्योंकि तो प्रीति को समझना है, ऐसे अन्य संज्ञाओं को समझते समय भी हमें ये भी समझना है कि उसका वाचार्थ जानना है। इसके लिए उसका पहले वाचार्थ के साथ साथ ग्रंथों में कोई स्वरूप लक्षण बताया है, वो कहाँ बताया है या नहीं बताया है, तो तटस्थ लक्षण बताया है क्या, वो किस तरह से बना बताया है, और उसको जानकर हम हमारी हमारी संज्ञा तक कैसे पहुंचेंगे। ये हमें संज्ञा तक पहुंचने के अन्य अन्य मार्ग है, और वो मार्ग का मार्गदर्शन भी हमारे ग्रंथकार ही हमें करते हैं। दिशा अनया स्वयं उहेत बुद्धिमान, इस उक्ति से ग्रंथकार हमें हमेशा दिशा देते रहते हैं, सिर्फ हमें उसको ढूंढना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रीति का स्वरूप लक्षण उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रीति संज्ञा का अध्ययन करने जा रही हूँ। लेकिन प्रीतिम तोषेण, ऐसा चरक ऐसा प्रीति का तटस्थ लक्षण बताया गया है, वो बताया गया है चरक विमान स्थान अध्याय 4 श्लोक 8। चरक विमान स्थान अध्याय 4 श्लोक 8, वो पूरा 8वां श्लोक है, आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारी संज्ञाएं मिलेंगी काम करने के लिए। ये प्रीति का काम करके यहाँ से छोड़कर जाना नहीं है आप लोगों को, इसके आगे भी अन्य अन्य संज्ञाओं का अगर अभ्यास आप कर सकोगे तभी ये व्याख्यान यशस्वी हो गया, ऐसा मैं समझूंगी। अब देखते हैं प्रीति का तटस्थ लक्षण प्रीतिम तोषेण। चक्रपाणी जी ने उस पर भी विवेचन किया है, वो भी हम देखेंगे। वहां कहा है तोषः मुखनयन प्रसादादिहि, तोषः फिर से बताती हूँ, तोषः मुखनयन प्रसादादिहि एतेन प्रीतिस्तोष मात्रम प्रीतिस्तोष मात्रम हर्षस्तु प्रीति विशेषो मन उद्रेक कारकम, हर्षस्तु प्रीति विशेषो मन उद्रेक कारकम हर्षम आमोदेन आमोदः नृत्यगीतवादित्रादि उत्सव कारणम। ये हो गया पूरा आयुर्वेद के अंतर्गत प्रीति विषय, यहां तक हम आ गए। अब आयुर्वेद ग्रंथों के साथ प्रीति के बारे में सोचते हैं तो प्रीति का उपयोग अन्य अन्य काव्यों में भी किया जाता है, नाटकों में भी किया जाता है, और उसके उदाहरण रूप में भी दिखाई देता है। जैसे कि कालिदास जी ने लिखा है शाकुंतल में, आश्रम के मृग शावक की शकुंतला पर कुछ अलग ही प्रीति है। देखिए आश्रम में मृग शावक है और आश्रम की कन्या है शकुंतला, जो शकुंतला आश्रम की कन्या है, लेकिन मृग शावक की शकुंतला पर कुछ अलग ही प्रीति है। ये भी एक प्रीति का उदाहरण। हम देख सकते हैं ऐसे अन्य नाटकों में काव्यों में भी प्रीति हमें दिखाई देती है। वाचार्थ देखने के लिए जैसे मैंने कहा है वाचस्पति ढूंढना है, गीर्वाण लघु कोश ढूंढना है, तो मैं कुछ गीर्वाण लघु कोश के कुछ संदर्भ आपको बताती हूँ। गीर्वाण लघु कोश पृष्ठ क्रमांक 341 उसमें दिखा है प्रीति स्त्रीलिंगी शब्द है, उसके एक एक जैसे शब्द है, मैं एक लिखती बताती हूँ, सुख आनंद तृप्ति संतोष, सुख आनंद तृप्ति संतोष, ये एक जैसे शब्द है। कृपा ये अलग शब्द है, प्रीति का अर्थ है प्रसन्नता, ये अन्य अर्थ है। प्रेम स्नेह ये एक अर्थ है, रुचि ये एक अर्थ है, इस तरह से अर्थ वाचार्थ दिए है। अब आयुर्वेद महाकोश में भी उसका अर्थ दिया है, उसके आयुर्वेद महाकोश के संपादक भाष्यकार है बेड़ी माधव शास्त्री जी जोशी और नारायण हरि जोशी जी, उन्होंने लिखा है प्रीति मनसुखम, मन का सुख। लेकिन प्रीति मनसुखम इसका संदर्भ है सुश्रुत चिकित्सा स्थान 2639 दल्लंटिका। यहाँ पर हमारे अध्ययन की प्राथमिक दो स्तर पूरे हो गए, अब चलते हैं अगले स्तर पर। अब देखते हैं चरक संहिता में प्रीति के संदर्भ, जैसे कि अभी एक मिनट अभी देखते हैं, हाँ अभी देखते हैं चरक संहिता में प्रीति के संदर्भ। हमने जैसे तटस्थ लक्षण देखा है और इसके सिवाय भी कहीं कहीं कहाँ कहाँ प्रीति का उल्लेख है, इसलिए चरक संहिता ढूंढनी होगी तो उसमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो वाजीकरण अध्याय में प्रीति का संदर्भ आया है, वाजीकरणम अनविच्छेद पुरुषो नित्यमात्मवान
तदायतो ही धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एवच। यहाँ सिर्फ मैं प्रीतिश्च इसको अंडरलाइन करती हूँ। ये चरक चिकित्सा वाजीकरण अध्याय 2 पाद प्रथम पाद तीसरा श्लोक है। वाजी धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एवच, तो ये वाजीकरण के संदर्भ में प्रीति का अध्ययन करना आवश्यक है। आगे देखते हैं और भी वाजीकरण में प्रीति का उल्लेख आया है। वाजीकरणम अग्रेंच क्षेत्रम स्त्रिया प्रहर्षिणी इष्टा ही एकैकशोऽप्यर्था परम प्रीतिकरा स्मृताः। मतलब ये सब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो अर्थ है इष्टा ही एकैकशोऽप्यर्था अर्था इति शब्दादयः ते च स्त्रीगत, ऐसा इसमें स्पेशली लिखा है ते च स्त्रीगत परम प्रीतिकरा स्मृता किं पुनः स्त्री शरीरे ये संघातेन प्रतिष्ठिताः। स्त्राश्रयो हि इंद्रियार्थो यः स प्रीति जननो अधिकम। आगे फिर देखिए प्रीति जननो अधिकम, यहाँ भी प्रीति शब्द आया है। स्त्रीषु प्रीतिर्विशेषेण स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम्, स्त्रीषु प्रीतिर्विशेषेण स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम्, ये सभी बातें सिर्फ वाजीकरण के संदर्भ में आई है। यही पे थोड़ा सा चिकित्सा स्थान में आगे जाकर देखते हैं तो नारीणाम और असर चरक चिकित्सा दूसरा अध्याय है लेकिन चौथा पाद है 44-45 सूत्र है। नारीणाम और असज्ञत्वात् अविचारात् असेवनात् तृप्तस्यापि स्त्रियो गंतुम न शक्ति ही उपजायते। इस तरह से ये जो श्लोक है ये सूत्र विपर्य से प्रीति का अध्ययन कैसे कर सकते हैं इसके लिए उपयुक्त है, इसका भी अवश्य विचार करें। मैंने ये सूत्र सिर्फ आपको अध्ययन के लिए दिए है, संदर्भ के लिए दिए है, उसका आगे चलकर आपको अधिक अध्ययन करना ये भी अत्यंत आवश्यक बात है। अब इस प्रकार से चरक संहिता में वाजीकरण की चर्चा प्रीति चर्चा में सिर्फ वाजीकरण की चर्चा में प्रीति इस भाव की इस प्रकार की चर्चा आई है। अब इसमें सामान्य अभिप्राय तो प्रीति का चला पता चला, अब इसका आगे जाके क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहे हैं। जबकि चरक संहिता में वाजीकरण विषय की चर्चा विषय में इसकी चर्चा हुई है तो सामान्य अर्थ ज्ञान हुआ है, इसका विशेष समाधान नहीं हुआ है। तो ऐसा मैं क्यों कर ही रही हूं? तो ऐसा देखना है कि वाजी हमें ऐसा पता है कि चरक में सिर्फ वाजीकरण अध्याय में ही प्रीति का वर्णन आया है लेकिन वाजीकरण अध्याय में प्रीति का और वर्णन दिखाई दे रहा है या तो नहीं दिखाई दे रहा है। आयुर्वेद में वाजीकरण का वर्णन है लेकिन आयुर्वेद में वाजीकरण के लिए अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध है क्या? सिर्फ बृहत्त्रयी में है, लघुत्रयी में है, उसके अन्य सिर्फ वाजीकरण को लेकर कुछ काम हुआ है क्या? वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि द्रव्य गुणादि विषय पर हमें रस वैशेषिक सूत्र पता है, रस वैशेषिक सूत्र ये प्रकरण ग्रंथ द्रव्य गुणों के आधार पर बना हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें द्रव्य गुण के बारे में बताई गई है। शल्यशाला के को प्रधान मानकर सुश्रुत नियमित तंत्र बने हुए है, बालरोग को बनाकर काश्यप संहिता बनी है, ऐसे जो इस तरह से वो जो स्वतंत्र तंत्र बने हैं वैसे वाजीकरण का कुछ अलग तंत्र है क्या? तो आयुर्वेद में आयुर्वेद के अभ्यासकों से कोई वाजीकरण का अलग तंत्र ऐसे नहीं बना हुआ है जिसको हम प्रकरण ग्रंथ कह सकते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात कि आयुर्वेद में जो वाजीकरण का वर्णन आया है उसका वर्णन जो वो वर्णन प्रायशः संतानार्थ मैथुन पर आधारित ही है। संतानार्थ मैथुन वाजीकरण क्यों कर रहे हैं कि अपत्य प्राप्ति के लिए ही वाजीकरण की प्रक्रिया बताई गई है, वाजीकरण चिकित्सा बताई गई है अपत्य प्राप्ति के लिए, मतलब इसका सिर्फ संतानार्थ मैथुन इसी पर निर्देश करके ही वाजीकरण चिकित्सा आई है। अब व्यवहार में तो मनुष्य प्राणी सिर्फ संतान के लिए मैथुन नहीं करता, हम लोग वैद्य लोग हैं तो हम लोग व्यवहार जैसे हम ग्रंथ पढ़ते हैं ग्रंथों में जो लिखा है उसी को हम व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में कुछ अलग अलग बातें दिखाई देती है
व्यवहार में मनुष्य प्राणी सिर्फ संतान के लिए मैथुन नहीं करता, आनंद के लिए भी मैथुन करता है। ये हमें पेशेंट ही बताते हैं। अचरज की बात है, बहुत दिनों से ऐसे माना जाता था कि पशु पक्षियों का जो मैथुन होता है वो सिर्फ संतानार्थ मैथुन होता है। अब कुछ परीक्षण करने के बाद ऐसा पता चला है कि पशु पक्षियों के में भी प्रत्यर्थ मैथुन यानी कि आनंद के लिए मैथुन होता है। ये भी थोड़ा सा मुख्य विषय से हटकर हो गया है, लेकिन ये बात समझनी आवश्यक है। एक नीति संज्ञा का अध्ययन करते समय हम पूरी व्यापकता से पूरा वाजीकरण पर हमारा लक्ष्य हम केंद्रित करें तो संज्ञा भी समझ जाएगी और एक विषय भी पूरा समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने देख लिया कि आयुर्वेद में संतानार्थ मैथुन ये प्रमुख भूमिका है और प्रत्यर्थ मैथुन के संदर्भ में प्रीति या संज्ञा का विस्तार यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयुर्वेद में प्रत्यर्थ मैथुन का विषय नहीं, ये विषय आया नहीं। अभी ऐसे हो गया कि स्वाभाविक रूप ये आयुर्वेद ग्रंथ में मिलना संभव है नहीं, तो क्या करना है, करना क्यों करना है? क्योंकि रुग्णों का मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। रुग्ण आते हैं और रुग्णों को मार्गदर्शन करना होता है, तो आयुर्वेद के बाहर के कुछ तंत्रों में इस विषय पर कुछ काम हुआ है या नहीं, ये देखना आवश्यक है। जिस इस चर्चा का अधिकार जिनको है, जिन तंत्रों को है, जिस क्षेत्र का अपतत्व जिनका है, इस क्षेत्र का स्वीकार समाज ने किया है, समाज मान्य है, ऐसे लोग इस उस क्षेत्र का हमें भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपनी व्याप्ति और मर्यादा को ध्यान में रखकर ही, व्याप्ति और मर्यादा में ही करना है। तो ये ऐसे ही प्रत्यर्थ मैथुन के अधिकारी है वात्स्यायन और उनका उनकी संहिता है कामसूत्र। तो हम प्रीति का विषय का विशेष अध्ययन करना है तो हम यहाँ वात्स्यायन कामसूत्र संहिता से कुछ प्रीति विषय संज्ञा और कुछ प्रीति विषय उनके संदर्भ जरूर देखेंगे। देखना ये आवश्यक है। क्यों देखना है? इसका आधार है परतंत्र प्रत्यय। परतंत्र प्रत्यय मतलब परतंत्र प्रत्यय, ये एक आश्रय है, इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में यहाँ हम देखेंगे। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 40वें अध्याय में टीकाकार अरुण दत्त जी ने परतंत्र प्रत्यय अर्थाश्रय का विवेचन किया है। उसमें इन्होंने कहा है, यथार्थस्य प्रसिद्धतः न स्वकीयम् उदाहरणम् शक्यम् अभिधातुम्। मैं फिर से पढ़ती हूँ, यथा अर्थस्य प्रसिद्धतः न स्वकीयम् उदाहरणम् शक्यम् अभिधातुम् न अन्येभ्यो विषक्तंत्रेभ्यः ततः तस्मिन् द्वये परतंत्रादि उदाहरणम् कल्प्यते। अब इसका हिंदी में भी देखते हैं, जब किसी संज्ञा का अर्थ स्पष्ट करने हेतु उस तंत्र में उसका उदाहरण देना संभव नहीं है तो क्या करना है, तो ऐसी परिस्थिति में अन्य तंत्रों से भी उदाहरण ले जा सकते हैं, उसकी कल्पना करनी है, अन्य तंत्रों से उदाहरण की कल्पना करनी है, इसे हम कहते हैं परतंत्र प्रत्यय। तो परतंत्र में हमेशा मेरे लेशोक्त ये डिकोडिंग लेशोक्त पुस्तक में भी मैंने परतंत्रावलोकन किया है। जो बातें मुझे परक चरक संहिता में मिली नहीं है तो मैंने अन्य संहिता में, जैसे आयुर्वेद क्षेत्र के अन्य विषक तंत्र भी लिखे हैं उन्होंने, और विषक तंत्र छोड़कर भी अन्य तंत्रों का भी हम उसमें आधार ले सकते हैं, ये भी आदेश ग्रंथकारों का ही है। तो इसमें हम कभी चरक सुश्रुत वाग्भट का आधार ले सकते हैं, कभी अभी नए नए जो आए हैं शारंगदर संहिता ये है, लघुत्रयी के ले सकते हैं संदर्भ, कुछ अन्य ग्रंथों के भी संदर्भ ले सकते हैं, जैसे रसवैशेषिक सूत्र मैंने कहा, तो ऐसे ग्रंथों का संदर्भ लेना ये भी परतंत्रावलोकन है और क्या परतंत्र आश्रय है। तो इस तरह से परतंत्र आश्रय परतंत्र प्रत्यय अर्थाश्रय से हम अन्य तंत्रों का उदाहरण ले सकते हैं। अब इसके लिए और भी जब ये विषय रखना, ये विषय मुझे बोलना था, इसे निश्चित हुआ तब मेरे मित्रवर्य वैद्यराज मिहिर हजर नवीस, उनसे भी मेरी कुछ बातें हुई तो उन्होंने भी मुझे एक रेफरेंस दिया, संदर्भ दिया। ऐसे ही होते कि हम हमेशा यहाँ ये तद्विद्या संभाषा ही है, ये आज का जो प्रोग्राम
परम आयुर्वेद ने आयोजित किया, इसको तद्विद्य समाज ऐसे ही उन्होंने कहा है, तो वैद्यों से चर्चा करना ये पर्याप्त ही है। तो मेरे मित्रवर्य वैद्यराज मिहिर जी ने मुझे एक सूचना की और वो मुझे एकदम जज गई, तो उसका भी मैं इसमें अंतर्भाव कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा, सुश्रुत जी ने भी हमें कहा है, एकम शास्त्रम न अधियानो, इसका ये भी आपके इस विषय को सुसंगत है। मैंने अभी मैं उन्हीं का उल्लेख करके, उन्हीं का नाम लेकर इसको भी मैं अंतर्भूत करती हूँ मेरे अध्ययन में, कि एकम शास्त्रम न अधियानो ये भी कहा है, और उसमें ऐसी अपेक्षित है कि जब चिकित्सा करनी है किसी वैद्य को तो उसको एक ही शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है, तो इसका अर्थ हम ऐसा करते हैं कि अन्य शास्त्र का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अन्य शास्त्र मतलब तत्त्व काल उपलब्ध समकालीन जो अन्य शास्त्र है तो उनका भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि समकालीन देश काल परिस्थिति समान होती है। जैसे अभी आप इस काल में देश काल और व्यवहार ये बदल जाता है और समकालीन देश काल व्यवहार वो वही रहता है, तो इसलिए समकालीन कुछ संहिताओं का भी हमें उसके लिए संदर्भ लेना है। इसलिए हम इस यहाँ संदर्भ लेते हैं वात्स्यायन के कामसूत्र का। अब वात्स्यायन की कामसूत्र की संहिता में वो प्रीति विषय में क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। अभ्यासात अभिमानाच्च तथा संप्रत्ययादपि विषयेभ्यश्च तंत्रज्ञाः प्रीतिराहुश्च चतुर्विधम्। प्रीति के चार प्रकार उन्होंने बताए हैं, अभ्यासात अभिमानाच्च संप्रत्ययादपि यानी विषयेभ्यः, ये चार प्रीति के प्रकार उन्होंने बताए हैं। अब ये चारों का विवेचन हम आगे देखते हैं। शब्दादिभ्यो बहिर्भूता या कर्माभ्यास लक्षणा, ऐसे है कि ये श्लोक आप कामसूत्र लेकर उसमें पढ़ लीजिए, मैं उसका थोड़ा सा विवेचन यहाँ करती हूँ। हर एक सूत्र का इतना अच्छा विवेचन इसमें आया है तो उसका विस्तार करेंगे तो बहुत, हर एक सूत्र का विवेचन एक 10-10-15-15 मिनट हो जाएगा, तो सिर्फ संक्षेप में ही उसका हम अभ्यास यहाँ करेंगे। शब्दादिभ्यो बहिर्भूता या कर्माभ्यास लक्षणा प्रीति ही सा अभ्यासिकी ज्ञेया मृगयादिषु कर्मसु। अभी कर्म का अभ्यास करने से मतलब कर्माभ्यास जनित जो प्रीति जो निर्माण होती है, जो अन्य अन्य विषयों में प्रीति निर्माण होती है, विषय कौन से होता है, जैसे कि मृगया है, व्यायाम है, नृत्य है, गीत है, चित्रकला है, इन विषयों की प्रीति निर्माण हो जाती है जब आप इन विषयों का अभ्यास करते हो। नृत्य का अभ्यास करते हैं उनको नृत्य में प्रीति निर्माण हो जाती है, जो व्यायाम का अभ्यास करते हैं वो व्यायाम की प्रीति निर्माण हो जाती है, मृगया का अभ्यास करते हैं वो मृगया की प्रीति निर्माण हो जाती है, चित्रकला का अभ्यास करते हैं चित्रकला की प्रीति निर्माण हो जाती है। इसको हमने उन्होंने अभ्यासात प्रीति, अभ्यास प्रीति, अभ्यास जन्य प्रीति ऐसे कहा है। ये एक प्रीति का प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रीति का प्रकार है अनभ्यस्तेषु अपि पुरा कर्मसु अविषयात्मिका। पहले अभ्यास नहीं किया है और न कर्म और कर्मसु अविषयात्मिका, उस विषय का कर्म भी नहीं किया है। संकल्प्या जायते प्रीति ही यास्यात् अभिमान की। तो ऐसी प्रीति है जिसका जो कर्म करने से मन को सुख मिलता है, उस कर्म में प्रीति आपको की प्रीति मिल जाती है, तो उसको कहा गया है अभिमान की प्रीति। जो कर्म करने से मन को सुख मिल जाता है, मन को अभिमान लगता है, अभिमान महसूस होता है मन को, उस कर्म को वो कहते हैं अभिमान की प्रीति। ये हो गई दूसरी प्रीति। अब तीसरा प्रकार है न अन्यो अयम इति यत्र स्यात् अन्यस्मिन् प्रीति कारणे तंत्रज्ञे ही कथ्यते सापि प्रीति ही संप्रत्ययात्मिका। संप्रत्ययात्मिका ये और एक प्रीति का प्रकार है। कुछ नए विषय न अन्यो अयम, यही नहीं है वो, ये वो नहीं है, ऐसे जो कुछ नए विषय है ये मैंने कभी पहले देखा नहीं है, ऐसे पूर्व प्रीति का अध्यारोप करने वाली जो चित्तवृत्ति आती है उसको कहते हैं संप्रत्ययात्मिका प्रीति। ये एक प्रकार की प्रीति है। अब देखते हैं और एक विषय की प्रीति, विषयात्मिक प्रीति देखते हैं। प्रत्यक्षा लोकतः सिद्धा या प्रीति विषयात्मिका प्रधान फलवत्व असा तदर्थश्चेतरा अपि। ये प्रीति जो है कि ये विषय के बारे में आती है, जैसे कि अनुकूल जो शब्दादि आपको अनुकूल है उसके बारे में प्रीति हो जाती है। कौन से शब्द अनुकूल है, जैसे गायन के कुछ शब्द अनुकूल होते हैं, जैसे कि श्रीधर फड़के जी का गाना मुझे अच्छा लगता है,
सुधीर फड़के जी का गाना मुझे अच्छा लगता है, सारिका जी को शायद लता दीदी का गाना अच्छा लगता होगा, किसी को मुकेश के गाने प्यारे लगते हो, तो ये क्या हो गया, एक शब्दादि की प्रीति हो गई। इस तरह जैसे शब्द श्रोत्र की है, जैसे ठंडी हवा किसी को प्रति अच्छी लगती है, किसी को गर्म हवा अच्छी लगती है, किसी को नेत्र से कोई बातें देखना अच्छा लगता है, तो ये सब विषयों की प्रीति है, इसको विषयात्मिक प्रीति कहते हैं। ये अन्य अन्य प्रकार की प्रीति है, तो ये सब प्रीति के बहुत सारे विषय यहाँ वाचिकरण अध्याय में बताए गए हैं। अब फिर से हम एक बार चरक में आते हैं, ये हमने सिर्फ वाचिकरण के बारे में देखा है, लेकिन चरक में अन्य जगह भी, जैसे जिसको हम जैसे परतंत्रावलोकन कहते हैं, वैसे ही स्वतंत्रावलोकन, स्वतंत्र का भी अवलोकन करना आवश्यक है, करना जरूरी है। तो स्वतंत्र में मतलब चरक संहिता में अगर हम अवलोकन करते हैं तो अन्य कहाँ कहाँ प्रीति का प्रीति संज्ञा उपलब्ध होती है वो भी थोड़ा देखते हैं। उसके भी मैं सिर्फ सूत्र ही बताऊंगी, सूत्र का विस्तार करना यहाँ होना यहाँ मुश्किल है, तो फिर हम सिर्फ कुछ सूत्र देखेंगे और उसका रेफरेंस सिर्फ लेंगे कि इस तरह से भी प्रीति का किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो मध्यात्यय चिकित्सा देख लीजिए, किसी के पास चरक संहिता हो तो निकाल कर देख लीजिए, मध्यात्यय चिकित्सा अध्याय 24 है। या प्रीतिर या रतिर या, ऐसे श्लोक की शुरुआत है, 9 और 10वां श्लोक है। श्लोक का समापन ऐसा है, ताम सुराम विधिना पिबेद, ताम सुराम विधिना पिबेद, ऐसा निर्देश किया है। उसमें प्रीति के बारे में विवेचन किया है चक्रपाणि दत्त ने, प्रीत्यादि कारणत्वेन प्रीत्यादि रूपतया निर्देशो ज्ञेयः, प्रीति का कारण और प्रीत्यादि रूपतया निर्देशो ज्ञेयः, इस प्रकार उन्होंने प्रीति का मार्गदर्शन यहाँ किया है। फिर आगे देखते हैं 24 उसी अध्याय में, मदाते अध्याय में ही 42 और 43 श्लोक नंबर है, उसमें भी देखते हैं, प्रहर्षणः प्रीतिकरः, और आखिरी में लिखा है प्रथमः सुखदो मदः, तो प्रथम मद में प्रीति बढ़ जाती है, इसके संदर्भ में ये प्रथमः सुखदो मदः, प्रीति बढ़ जाती है, प्रीति ये जो भाव है वो किस कारण से बढ़ जाता है ये इसमें दिया है। उसके कुछ अन्य भी संदर्भ देखते हैं, चरक चिकित्सा 24/65 संदर्भ है, रतिर विषय संयोगे, रतिर विषय संयोगे, और उसको जोड़कर रखा है प्रीति संयोग वर्धनम। यहाँ कहा है कि रति क्या है, रति ही इति रतिकारकम, रतिकारकम विषय सही रतिकारक विषय ना, रति रति इति रतिकारकम विषय संयोगे प्रीति संयोग वर्धनम, इति विषयाणाम जो विषय है शब्दादीनाम संयोगे प्रीतिम संयोगंच वर्धयति, तो ये रतिकारक शब्द शब्द जो है उनके उच्चारण से भी प्रीति संयोगंच वर्धयति, ये भी स्वतंत्र अवलोकन करने से ये भी पता चल गया। आगे चलकर देखते हैं अध्याय कौन सा है से भी हम उसका संदर्भ हमारे विषय से किस तरह से लेते हैं ये भी देखना भी आवश्यक है। सुख प्रपानम सुमदम हर्ष प्रीति विवर्धनम, चरक चिकित्सा 24/75 ये भी संदर्भ आया है, सुख प्रपानम सुमदम हर्ष प्रीति विवर्धनम, क्या बढ़ाता है, हर्ष भी बढ़ाता है प्रीति भी बढ़ाता है। अभी हमने देखा है हर्ष क्या है तो मनो उद्वेग करने वाला हर्ष है, और प्रीति क्या है, प्रीति सुखवर्धनम, ऐसा है। अभी देखते हैं आगे भी चलकर, प्रहर्ष प्रीति माधुर्य ही आपानम वर्धयंती, ये यहाँ वर्धयंती इति आपाने प्रसादम, आपाने प्रसादम वर्धयंती, न पाना प्रसक्तिम वर्धयंती तस्या निंदितत्वात् इति चक्रपाणि दत्त। तो चक्रपाणि की टीका का संदर्भ लेना यहाँ अत्यंत आवश्यक है, उससे थोड़ा सा हमारे विवेचन में और हमारे अध्ययन में थोड़ी सुविधा आ जाती है। अब यहाँ तक हमने देखा कि चरक संहिता में वाचिकरण अध्याय में भी अध्याय में प्रीति का जो वर्णन आया है वो संतानार्थ मैथुन के विषय में आया है,
प्रत्यर्थ मैथुन के लिए चरक संहिता में कुछ बताया नहीं है, फिर हमने संदर्भ लिया है वात्स्यायन के कामसूत्र का संदर्भ लिया है, फिर हम चरक संहिता को देख लिया है हमने। तो चरक संहिता में हमने ऐसे देखा है कि मदात्य अध्याय में भी प्रीति का वर्णन आया है और प्रीति के अन्य अन्य पहलू भी हमें मदात्य अध्याय में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हमारे साथ अभी प्रीति का बहुत सारा साहित्य जमा हो गया, अभी इसको हम संकलन किया है, हमने संकलन किया है और हमें जो इस सबको मिलकर एक कुछ व्यापक जानकारी मिलती है, अब उसे हम देखते हैं। उसके आधार पर अभी हम ये कहेंगे कि प्रीति ये अनुमानगम्य तथा प्रत्यक्षगम्य भाव है जो चरक संहिता विमान स्थान में जो दिया है चौथे अध्याय में, तो वो वहां प्रत्यक्षगम्य और अनुमानगम्य भावों का वर्णन किया है। तो ये प्रीति अनुमानगम्य तथा प्रत्यक्षगम्य भाव है, मूलतः अमूर्त अनुमानगम्य भाव है। अमूर्त भाव है, उसकी मूर्ति प्रीति की दिखाई नहीं दे सकती, पर उसका तटस्थ लक्षण है मुख नयन प्रसाद। कैसे दिखता है? मुख नयन प्रसाद से प्रीति दिखाई देती है। तो ये जो हम समझते हैं वो हमें रुग्णों को भी व्यवहार में जब हमें प्रीति का प्रीति के बारे में और अत्यर्थ मैथुन और संतान मैथुन के लिए अगर हमें रुग्णों को हमारे पेशेंट्स को कुछ मार्गदर्शन करना है तो ये बात बतानी अत्यंत आवश्यक है कि ये प्रीति किस तरह प्रीति आपको समझ में आएगी। तो मुख नयन प्रसाद इन भावों से प्रीति को समझना ये अत्यंत आवश्यक है। यहाँ मैं ज्यादा आजकल क्या चल रहा है इस बारे में ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि ये हम पूरा अध्ययन हमारे ग्रंथों के आधार पर चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के जो उपस्थित वैद्य है वो सब ये बातें समझ उन सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि आजकल क्या चल रहा है और हमें वैद्यों को देश काल और जो व्यवहार जो बदलता हुआ व्यवहार है इस सबको ध्यान रखकर चरक को ना छोड़कर चरक को ही ध्यान में सामने रखकर ही पेशेंट को मार्गदर्शन करना है। क्या करना है? तो मुख नयन प्रसाद से प्रीति का अनुमान करना है क्योंकि वो अमूर्त भाव है। ये जो कायिक वाचिक लक्षणों से इन भावों का पता चलता है जिसको हम हाव तथा भाव कहते हैं। ये भी परिचित शब्द है, हाव तथा भाव कहते हैं। अब प्रीति होती है ये चार प्रकार की होती है। एक अभ्यास के से प्रीति प्राप्त होती है, अभिमानजन्य प्रीति होती है, संप्रत्ययात्मिक प्रीति होती है और विषयात्मिक प्रीति होती है। ये चार प्रकार की प्रीति होती है, ये हमें अध्ययन से मिला है कामसूत्र से। प्रीति मध्य से बढ़ाई जा सकती है, ये भी एक भाव है। विशेषतः सात्विक लोगों के साथ मद्यपान करना ये प्रीति वर्धक है। अर्थापत्ति से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अतियोग हानिकारक है। मद्यपान के सम्यक प्रयोग के कारण प्रीति का रूपांतरण हर्ष में हो सकता है। हर्षस्तु प्रीति विषयो मन उद्रेक कारणम, ऐसा चक्रपाणि ने कहा है। और इसके आगे ये भी कहा है, प्रथम मद ये प्रीतिकर होता है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है रुग्णों को मार्गदर्शन करते समय। इसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि इससे यानी कि प्रथम मद में जो कर्माभ्यास लक्षण प्रीति दिखती है उसका बल बढ़ेगा, और प्रथम मद में जो कर्माभ्यास लक्षण प्रीति है उसका बल बढ़ेगा और अभिमानिक या संप्रत्ययात्मिका या विषयात्मिक प्रीति है वो अगर नहीं है तो वो उत्पन्न हो सकती है अत्यल्प मात्रा मद्य सेवन करने से। और प्रथम मद में जो कर्माभ्यास लक्षण प्रीति है उसका लक्षण वो किस तरह से बढ़ सकती है ये भी हमने देख लिया। अब मदात्यय में और भी कहा है प्रीति संयोग वर्धनम, तो संयोग वर्धनम इसके बारे में भी कह सकते हैं जो विषयात्मिक प्रीति है उसका भी वर्धन करेगी। अब ये प्रीति विषय का हमने यहाँ तक देखा है कि आयुर्वेद ग्रंथ तथा वात्स्यायन को मिलकर क्या क्या बातें हमारे समझ में आती है ये हमने यहाँ तक देखा है। अभी इसका हमें और विस्तार किया जाए तो प्रीति का मापन कैसे करना है, प्रीति बढ़ाने के लिए प्रीति का मापन सबसे पहली बात है कि व्यवहार में यह हम कैसे लाएं कि प्रीति का मापन किस तरह से मापन कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। और उसका मापन करने के बाद
औषध विहार और औषध का आहार विहार और औषध का उपयोजन किस तरह से हो सकता है, इसके संकेत भी हमें मिल सकते हैं और उन संकेतों से हम दर्शन स्पर्शन और प्रश्न के अनुसार प्रीति की परीक्षण पद्धति हम निश्चित कर सकते हैं और उसी के आधार पर प्रत्यर्थ या संतानार्थ वाजीकरण चिकित्सा कर सकते हैं। दोनों के लिए ही भी वाजीकरण चिकित्सा हो सकती है और ये करना आवश्यक है, हमेशा याद रखना है प्रत्यर्थ और संतानार्थ। ये कैसे कर सकते हैं इसका एक मॉडल वैद्य श्री प्रसाद जी बावड़ेकर ने बनाया है और मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने की आयोजकों को विनम्र विनंती करती हूँ। जो मॉडल मैंने आपको भेजा है सारिका जी, क्या आप दिखा सकती हो? महेश जी या सारिका जी? जी जी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, ये सब पूरा संकलन हो गया है, वो अपलोड हो रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं तब तक मैं बातें करती रहूंगी सबसे, सबके साथ संवाद बनाया रखूंगी मैंने। मैं ये जो हमने चरक में क्या दिखा है वो देखा है, वात्सायन ने क्या क्या है वो देखा है, उन दोनों को मिलकर उसका संकलन करके हमें क्या कर किया है वो देखा है। ये होगा कागज पे, लेकिन अगर ये हमें प्रैक्टिकल में लाना है, व्यवहार में लाना है, तो इसको हम किस तरह से ला सकते हैं, तो इसके लिए मैंने सर की थोड़ी मदद ले ली। सर ने एक स्मृति का ऐसे ही मॉडल बनाया था जो थ्री डायमेंशनल है, तो इसका किस तरह से मॉडल बनाया जा सकता है यहाँ पर मैं अटक गई थी। फिर सर ने कहा ये भी आपका थ्री डायमेंशनल ही मॉडल बन सकता है, क्योंकि हमें परीक्षण करना है, प्रीति का मापन करना है। मैं बताना शुरू करती हूँ, जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप सब लोग देख पाएंगे। जैसे कि हमें अभी एक एक्सिस पे हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय हमने लिए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो हमें और दूसरे एक्सेस पे हमने लिया है दर्शन स्पर्शन प्रश्न। इन सबको हमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न से उसका मापन करना है और उसमें से फिर हमें पता चलेगा कि अभी कौन सी प्रीति है, अभिमानात्मक प्रीति है या कौन सी संप्रत्यात्मक प्रीति है, विषयात्मक प्रीति है या अभ्यासात्मक प्रीति है, ये देखना पड़े, ये देख सकेंगे। जैसे शब्द की प्रीति संप्रत्यात्मक प्रीति का मापन करना है। हाँ देखिए, शब्द की संप्रत्यात्मक प्रीति का मापन करना है तो हम दर्शन से कर सकते हैं। रस की अभिमानात्मक प्रीति का मापन करने हैं तो हम दर्शन से भी कर सकते हैं और प्रश्न से भी कर सकते हैं। ये 3x5x4 का मॉडल है। 3 में आते हैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न, 5 में आते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 4 में आते हैं अभ्यासात्मक अभिमानात्मक संप्रत्ययात्मक और विषयात्मक। इस तरह से ये 1 2 3 4 हम दिख रहा है। फुल स्क्रीन हो सकता है, ये मैंने हाथ से लिखा है तो आप हाँ ये हाथ से लिखा हुआ मॉडल आपके सामने है। अभी मैं बताती हूँ, ठीक है इतना ही दिख रहा है, अभी मैं देखती बता रही हूँ, आप देख लीजिए। लेफ्ट साइड को पांच खाने हैं, यहाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध लिखा है, जिसको रेड मार्क किया है वो है रस, वो है रस विषय है और अभी हाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये आपको पांच दिखे और अभी राइट साइड को आपको दिखेगा दर्शन दिख रहा है, फिर उसके बाद स्पर्शन और प्रश्न, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, स्पर्शन और तीसरा है प्रश्न। हाँ अभी ये सब हम जोड़, इन सभी को हमने जोड़ा है इन सभी को, तब ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक जगह जब रस की अभिमानात्मक प्रीति का मापन दर्शन या प्रश्न परीक्षा से
हो रहा है। इसी तरह हम एक एक खाने का विचार कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक खाने के लिए हर एक विषय एप्लीकेबल है। अभी सब अच्छे से दिख रहा है, मुझे लगता है सबको दिख रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध दर्शन स्पर्शन प्रश्न और ऊपर अभ्यासात्मिक, दो नंबर में अभिमानात्मिक, तीन नंबर है संप्रदायात्मिक, चौथा है विषयात्मिक। तो अभी ये जो रेडमार्क किया है उस रेडमार्क का मतलब क्या है? रस विषय की, नीचे राउंड करके रेड में रेड राउंड करके रस विषय की, अभिमानात्मिक, प्रीति, दर्शन परीक्षा से कैसे मापन करनी है रस विषय के। ऐसे हम हर एक खाने का अभ्यास हम यहाँ इस प्रकार का कर सकते हैं। और फिर आगे चल के क्या करना है, ये जब मापन पूरा हो जाता है तो उसका क्या करेंगे? तो उसका हम आहारात्मक, विहारात्मक और औषधि चिकित्सा अपने आप सामने आ जाएगी। जैसे कि हमें पता है नित्य क्षीरम घृताभ्यास वाजीकरण, ये भी पता है हमें, ये हो गया आहार, हो गया नित्यम क्षीरम, नित्यम क्षीर घृताभ्यास, ये हो गया आहार। फिर आते हैं वाजीकरण द्रव्यों का सेवन, वो कैसे करना है। फिर आता है चंक्रमण करना है, जैसे विहार करना है, सोना है, निद्रा लेनी है, ये हो गया विहार। ऐसे आहार, विहार, औषधि, ये अपने आप सामने आ जाएगी। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वाजीकरण तथा रसायन औषधों का अभ्यास इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम करें तो एक पूरा एमडी का विषय भी हो सकता है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा विषय पूरा हो गया। अब हमारे परात्पर गुरु कैलाशवासी बेड़ी माधव शास्त्री जोशी जी का नाम लिए बिना मेरा ये व्याख्यान में पूरा नहीं हो सकता। बेड़ी माधव शास्त्री जी एक शास्त्रज्ञ, शास्त्ररत, कर्माभ्यासी वैद्य थे। उन्होंने शास्त्र तर्क पर हमारे गुरु से हमने उनकी बहुत सारी बातें सुनी है। उन्होंने शास्त्र तर्क पर आधार पर रस रक्तादि धातु और प्रीति इस विषय का विवरण किया है। रस की प्रीति, किस तरह से रस की प्रीति हो सकती है? कोई माता अपने बालक को अपने पास लेती है तो बालक को पास लेने से उसको अपने आप स्तन्य प्रादुर्भाव उसके स्तन से हो जाता है। ये क्या है? ये रस धातुआत्मक प्रीति है। तो इस तरह से धातु और प्रीति इस विषय पर उन्होंने वर्णन किया है। इसका अभ्यास करना और भी व्यापक अध्ययन के लिए जरूरी है। आपको ये सभी बातें आयुर्वेद पत्रिका के पुराने अंकों में मिल सकती है, वो भी आप अवश्य पढ़ लीजिए। फिर एक बार आप सभी को मैं यही कहूंगी, आप मेरा लेशोक्त विस्तार रिकॉर्डिंग लेशोक्त ये पुस्तक जरूर पढ़ लीजिए। उसके साथ अनुक्त द्रव्य अध्ययन ये सर का पुस्तक भी पढ़ लीजिए। इस तरह से अध्ययन करते करते एक एक विषय हमारे सामने आ जाएगा और एक एक विषय पर अगर हम अध्ययन ये हम व्यवहार में आएंगे लाएंगे तो व्यवहार में आयुर्वेद की एक एक ब्रांच डेवलप हो जाएगी। ये हम सब के आज के वैद्यों का ये एक दायित्व है कि हम आयुर्वेद के एक एक विषय को समाज के सामने साइंटिफिकली प्रस्तुत करें। जैसे कि क्रीड़ा आयुर्वेद का अध्ययन हमारी एक वैद्या सखी वैद्या अमृता देशपांडे वो कर रही है और उस पर उसकी अभी प्रैक्टिस भी उसी विषय पर वो कर रही है, व्यवहार में भी बुला रही है। इस तरह वाजीकरण चिकित्सा प्रीति ये विषय भी हम व्यवहार में लाए। इतना कहकर आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद देकर, आपने शांति से ये सुना इसलिए आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देकर मैं यही पर मेरा वक्तव्य विराम करती हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद गुरुवर्य, आपके अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन का उत्तम परिणाम यह व्याख्यान है। आपके मार्गदर्शन से लेशोक्त विषय के बारे में श्रोताओं के हृदय में प्रीति जरूर उत्पन्न हुई होगी। सात्विक लोगों के साथ आपने जैसे कहा कि मद्यपान करने से प्रीति वर्धन होती है, वैसे ही आपने जो विषय प्रीति के बारे में कहा, जो एक प्रकार कहा, तो आपके जैसे सात्विक विद्वानों के द्वारा अध्ययन करने से उस विषय में भी हम सभी की या श्रोताओं की प्रीति उत्पन्न तथा वृद्धि होती होगी। तो इसी तरह चरक संहिताओं का भी अध्ययन, सभी वैद्यों की प्रीति इसमें उत्पन्न हो तथा उत्तरोत्तर वर्धमान हो।
पुण्यवानों को ही ऐसे सूक्ष्म विषयों का अध्ययन एवं अध्ययन का भाग्य प्राप्त होता है। तो इतने सुंदर प्रस्तुति के लिए और आपका ज्ञान हमें आप देने के लिए आपको सादर प्रणाम और पुनः धन्यवाद। नमस्ते।